So students, the most important role after a product owner is Scrum Master. अच्छा अब Scrum Master को समझने के लिए आपने एक पॉइंट दिमाग में रखना है. एजाइल जो है बेसिकली ये लाइट वेट डेवलपमेंट का प्रोसेस है. लाइट वेट से मुरादी होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोई चीज़ फॉलो नहीं करते. एक चीज़ होती है बेस्ट प्रैक्टिस. बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम एक तरीके से किया और अगर वही काम या उससे मिलता जुलता काम कोई और भी टीम कर रही है तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूंगा. मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 2+2 हमेशा 4 ही होगा, ये रूल है. लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो किसी भी टीम का एक काम करने का एक्सपीरियंस होता है. और टीम और एजाइल में अमूमन हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करेंगे इस टॉपिक को या आप अगर कोई बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल कोई फिक्स आंसर ना मिले क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं. तो जो स्क्रम मास्टर होता है, पहले तो ये आपने समझना है कि एजाइल में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता. तो इसका मतलब है कि जो स्क्रम मास्टर है इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर. यानी ये ट्रेडिशनली जो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ रोल जो किसी प्रोजेक्ट को ड्राइव कर रहा है. लकीली या अनलकीली एजाइल में प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, एजाइल में बेसिकली स्क्रम मास्टर होता है. रीजन, जो एजाइल है वो स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बेस नहीं किया हुआ. मतलब ये कोलैबोरेटिव है. कोलैबोरेटिव से मुरादी होती है कि जो पूरी डेवलपमेंट टीम है वो मिल के इनपुट दे रही होती है. तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका रोल थोड़ा सा चेंज होके स्क्रम मास्टर मीन कोचिंग का रोल आ जाता है. कोचिंग से मुरादी होती है कि ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट हायरार्की स्क्रम मास्टर या एजाइल में नहीं होती. मतलब ऐसा नहीं होता कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम लीड से बात करेगा, जो टीम लीड है वो डेवलपर से बात करेगा, एंड सो ऑन. इसमें फ्लैट हायरार्की होती है एजाइल में. इसमें हर बंदा हर एक से बात कर रहा होता है. अब ये सुनने में बड़ा आसान है लेकिन एक्चुअली ये डिमांड करता है माइंडसेट का कल्चरल शिफ्ट. मतलब ये है कि इन पाकिस्तान अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जाके फॉर एग्जांपल या कोई सीनियर अगर आपका कोई मैनेजमेंट का कोई बंदा है वो अगर डेवलपर से जाके उसका हाल भी पूछ लेगा ना तो डेवलपर परेशान हो जाएगा कि मैंने शायद कोई गलत काम कर दी या मैं कुछ काम सही तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई सीनियर मैनेजमेंट का बंदा आके मुझसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि तुम किस टास्क के ऊपर काम कर रहे हो या तुम्हें कोई मसला तो नहीं फेस हो रहा या तुम्हें कोई रोड ब्लॉक तो नहीं है या तुम क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहते हो, एंड सो ऑन. ये माइंडसेट की चीज़ है. मतलब इसको बुक में लिखना बड़ा आसान है लेकिन एक्चुअली जब आप करते हैं ना ये तो ये हमारे कल्चर में ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कल्चर में इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप प्योर एजाइल की तरफ चले जाएँ. एक तो रीजन मैंने आपको ये बताया कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि सीनियर मैनेजमेंट का कोई बंदा आके आपके साथ बैठ जाए और आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दे. लाइकवाइज अगर फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर है उसको कोई इश्यू आ भी रहा है ना तो उसकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि ये जो इश्यू है उसके मैनेजर तक ना पहुंचे, उसके जो कोई उससे सीनियर डेवलपर है या कोई लीड है उस तक बात पहुंच जाए, मैनेजर को पता ना लगे. क्योंकि अगर मैनेजर को पता लग गया तो हो सकता है दे मस्ट बी सम यू नो नेगेटिव थिंग गोइंग ऑन. तो ये यहाँ पे रोल चेंज हो जाता है स्क्रम मास्टर का इनटू सम कोचिंग, यानी अ सॉर्ट ऑफ टीचर, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीम मेंबर हैं वो इजीली अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं टीम डायनेमिक. तो आप यहाँ पे अगर बहुत कोई स्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को लगा देंगे स्क्रम मास्टर में तो इट इज़ बाउंड टू फेल, यानी वो कामयाब नहीं होगा. क्योंकि टीम डायनामिक्स एजाइल में बहुत डिफरेंट होती है क्योंकि हर बंदा हर चीज़ में इन्वॉल्व है. जब हम ये कह रहे हैं ना कि वी आर फॉलोइंग फ्लैट हायरार्की, इसे मुराद ये होती है कि नोबडी इज रिपोर्टिंग टू एनीवन इनडायरेक्टली. हर बंदा हर एक से कोई बात पूछ सकता है, हर बंदा हर एक से डायरेक्टली बात पूछ सकता है जो ट्रेडिशनल वे में काम करने का तरीका नहीं होता. तो
میٹنگس کو مینیج کرنا, اگر ڈیولپرس کوئی چیز یعنی دے آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, کوئی ریکوائرمنٹ سمجھ نہیں آ رہی, یا کوئی ٹیم ممبر سے کوئی کچھ ایشو چل رہا ہے, یا جو پروڈکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہے, یا فار ایگزامپل ایک ٹیم نے کام کیا ہے اس میں کوئی ایشو آیا ہے, تو یہ اسکرم ماسٹر کا کام ہوتا ہے کہ جو ایشو آیا ہے وہ ساری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرے. یہ ٹپیکل کام کرنے کے طریقے سے بہت فرق ہے. اس کو ہم لوگ ریٹروسپیکٹو بولتے ہیں. یہ ہم آگے جا کے فل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اگر ٹیم نے یہ کام کیا ہے فار ایگزامپل کچھ ٹائم لگا کے, اینڈ دے ہیو فیسڈ سم ایشو, اور انہوں نے وہ ایشو ریزالو کر لیا, تو فیوچر لرننگ کے لیے ٹیم کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ واٹ دے ڈڈ رانگ, واٹ دے ڈو ٹو فکس دیٹ رانگ تھنگ, یعنی انہوں نے کیا گڑبڑ کی تھی اور اس گڑبڑ کو صحیح کرنے کے لیے کیا اسٹیپس اٹھائے تھے تاکہ وہ کام ہو گیا تھا, تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو. اور یہ کنٹینیوس چیز ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایجائل ہوتا ہے نا, یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ لائٹ ویٹ ہے. لائٹ ویٹ یہ ہے فرام دا ریکوائرمنٹ یعنی ڈاکومنٹیشن ویو پوائنٹ, لیکن اس میں انرجی بہت زیادہ لگتی ہے. ریزن کہ جو ایجائل ہے اس کا جو فوکس ہے وہ کسٹمر ہے. ایک تو کسٹمر ہے, دوسرا یہ کہ ہم نے جو پروڈکٹ ہے وہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں مارکیٹ میں لے کے جانا ہے, تو ٹیم کے لیے ریلیکس کرنے کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. یعنی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے ہمیشہ انڈر پریشر ہوتی ہے ٹو ڈیلیور ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم. یعنی اس اگر ہم اس کے اندر کوچنگ یا اسکرم ماسٹر کا رول نہ رکھیں تو ٹیم کا جو اس کی جو انرجی ہوتی ہے اس کا ڈرین آؤٹ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی دیر مسٹ بی ون رول جو ٹیم کو موٹیویٹ رکھے, جو ٹیم کو لیڈ کرے, مطلب آرڈر نہ دے لیکن ٹیم کو لیڈ کرے اور گائیڈنس پرووائڈ کرے رادر کہ وہ انسٹرکشن پرووائڈ کرتا ہے. تو جو اسکرم ماسٹر ہے اس کا رول بہت کی رول ہے, کیونکہ اس نے ٹیکنیکل ٹیم کو ڈرائیو کرنا ہے ایکچولی.